हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लिमिट की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं और ग्राफ पढ़ने वाले हैं और कोशिश करेंगे एक आधा क्वेश्चन कवर करने की। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लिमिट का भी मीनिंग समझाया था, एप्साइलन डेल्टा का भी मीनिंग समझाया था, लेफ्ट लिमिट भी समझाई थी, राइट भी बताई थी। आज मैं आपको सीधे डेफिनेशन पर लेके आ रहा हूँ। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो आज का लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देखिए, तभी ये समझ आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे पहले लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन के, लिमिट ऑफ फंक्शन। तो लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन एंड एल बी इट्स लिमिट। कब होगा ऐसा? इफ फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्साइलन सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्साइलन व्हेन एवर जीरो ग्रेटर देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो ये आपकी लिमिट की डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आपको ये कैसे बना हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, ये मैंने आपको सारा प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। मैं तब भी आज थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एप्साइलन बहुत छोटा नंबर है, इतना छोटा कि आप इसको ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हो, मगर ये जीरो नहीं है, ये छोटा पॉजिटिव नंबर है। और दो दो चीज़ों का डिफरेंस बहुत छोटा है ना, ये ऑलरेडी छोटा है और इनका डिफरेंस इससे भी छोटा है, तो ऑलमोस्ट वो बराबर ही होगा। तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एल के, ठीक है। और इधर का मीनिंग क्या है कि जो एक्स माइनस ए है वो डेल्टा से छोटा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो एक्स और ए है वो ऑलमोस्ट बराबर है। तो बेसिकली ये जो लाइन मैंने लिखी है ये अभी हमने ग्रेजुएशन में पढ़ी, हम इसको ट्वेल्थ क्लास में ऐसे लिखते थे लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू l। इस लाइन का मीनिंग ये है ट्वेल्थ क्लास में, f of x l के बराबर कैसे करना है, दोनों का डिफरेंस एप्साइलन से छोटा, और x a के पास जा रहा है, x a के पास जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी बहुत छोटा, तो उसको डेल्टा से छोटा करना है। डेल्टा एप्साइलन दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, एक दूसरे पे डिपेंड है, ये देखो लिखा है ना डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्साइलन। इसको कभी कभी हम ऐसे भी लिखाते हैं, इस लाइन को डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्साइलन को ऐसे भी लिखा होता है बुक्स में, इसका मीनिंग भी यही है डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्साइलन। अब हमें क्या समझना है कि अगर आपको बताना है कि फंक्शन की लिमिट एल है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा इन दोनों का डिफरेंस एप्साइलन से छोटा और एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा, और जो डेल्टा है वो एप्साइलन पे डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में यही एग्जाम्पल डेफिनेशन यूज करेंगे। इस डेफिनेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि डेल्टा एप्साइलन पे कैसे डिपेंड है ग्राफ की मदद से, है ना। तो पहले हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। देखो ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गई और ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस और ये x एक्सिस। देखो स्टूडेंट्स, मैं फंक्शन ले रहा हूं आपके पास x, तो मतलब y किसके इक्वल है, x के, ये मैं फंक्शन ले रहा हूं। अच्छा, जब मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा ना तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट करेगी, y इज इक्वल टू x को। ये मुझे कैसे पता चला,
आपने ट्वेल्थ में इलेवेंथ में पढ़ा हुआ है, एक्स को जीरो डालो वाई जीरो, वाई को जीरो डालो एक्स जीरो, तो ये ओरिजिन से पास कर रही है, ये जो लाइन है कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से। अब देखो अब क्या है, इधर कहीं ए है जिसपे मेरे को चेक करना है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो का मीनिंग क्या होता है, ए माइनस एप्साइलन के बीच में एक्स, ए प्लस एप्साइलन के बीच में, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हो। तो इधर होगा ए माइनस डेल्टा और इधर होगा ए प्लस डेल्टा, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन है जहां पे हमारा एफ एक्स है, हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्साइलन, तो ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था इसका मीनिंग, इसका मीनिंग है जो एल माइनस एप्साइलन के बीच में फंक्शन है और एल प्लस एप्साइलन के बीच में फंक्शन है, इस चीज का मीनिंग ये है, वो ही लिख दिया। देखो कैसे इसको मैंने इधर से ज्वाइन कर दिया, ए माइनस डेल्टा डालूंगा तो इधर आपको वाई पे कुछ मिलेगा, ये आपका क्या है एल माइनस एप्साइलन, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका क्या है एल, और ए प्लस एप्साइलन के कॉरेस्पॉन्डिंग, डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका क्या है एल प्लस एप्साइलन, ये डेफिनेशन ही बता रही है आपको, ठीक है। इसका मीनिंग ये है और इसका मीनिंग ये, यह हमें डेफिनेशन बता दी जो हमने अभी ऊपर पढ़ी। अच्छा अब मैं आपको एक मीनिंग समझाने लगा हूं, देखना ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं डेल्टा एप्साइलन पे डिपेंड कैसे है। देखो इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, जैसे जैसे एक्स इस इंटरवल के बीच में आएगा वैसे वैसे जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के बीच में आएगा, जैसे जैसे एक्स ए बनेगा वैसे वैसे फंक्शन एल बनेगा, हम भी तो यही पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब हमारा फंक्शन अगर वाई और एक्स बराबर है, वाई और एक्स एक जैसा है, तो देखो अगर वाई और एक्स एक जैसा है तो अगर मैं इस फंक्शन में एक्स को ए डाल दूं तो आपको पता है वाई और एक्स बराबर है, वाई भी ए आ जाएगा, मतलब अगर मैंने इसको एक्स माना ये ए आ गया तो इधर वाई भी कितना आ जाएगा, एल जो है वो भी क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा, क्योंकि ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये, क्योंकि फंक्शन बराबर है। अगर मैंने x को a माइनस डेल्टा डाला तो y भी क्या बन जाएगा, a माइनस डेल्टा, तो ये अगर x a माइनस डेल्टा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये, तो ये y बन जाएगा और y भी क्या बन जाएगा, a माइनस डेल्टा, y भी क्या बन जाएगा, a माइनस डेल्टा, ये ध्यान से समझना चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में तो सीधे क्वेश्चन आएगा मगर ये आपको समझ आनी चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। अच्छा अब मैंने x में डाला a प्लस डेल्टा, x में डाल दिया a प्लस डेल्टा, तो y भी क्या बन जाएगा, a प्लस डेल्टा, a प्लस डेल्टा क्यों बन रहा है, क्योंकि y और x सेम है, तो इधर इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूं, ये आपके पास y बन गया और ये क्या बन गया, a प्लस डेल्टा। अच्छा अगर a डालने पे आपको l मिल रहा है, अगर a आपका l के बराबर है तो ए एल के बराबर तो है, तो इस केस में जो आपके केस सामने बना हुआ है, इस केस में जो डेल्टा है वो किसके बराबर है, एप्साइलन के, डेल्टा किसके बराबर है, एप्साइलन के, तो हमारा ये जो फंक्शन है इसमें जब हम सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन, तो इसमें डेल्टा किसके बराबर आएगा, एप्साइलन के, तो डेल्टा एप्साइलन पे डिपेंड है, आप एप्साइलन को चेंज करो डेल्टा चेंज होता जाएगा, इस क्वेश्चन में डेल्टा एप्साइलन सेम है। अभी मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो अगर मैं फंक्शन ले लूँ y इज इक्वल टू 2x, फंक्शन ले लूँ y इज इक्वल टू 2x, इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखो इधर x डालो 0 y 0 आएगा, y 0 डालो x 0 आएगा, ये भी ओरिजिन से पास करेगा मगर 2x है ना, मगर ये क्या है 2x है, तो ये थोड़ा ऐसे जाएगी लाइन, ये थोड़ी लाइन ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ ऐसे, क्योंकि y is equal to 2x, x वाली नीचे और कम करोगे x by 2 और नीचे 3x और ऊपर, तो ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी, ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से, इधर कहीं a होगा, इधर कहीं a माइनस डेल्टा होगा, इधर कहीं a प्लस डेल्टा होगा, ये तो डेफिनेशन है ना, इस a के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इधर क्या मिलेगा एल मिलेगा, इस ए प्लस डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डिंग
आपको इधर क्या मिलेगा, एल प्लस एप्साइलन, और इस ए माइनस डेल्टा के कॉरिस्पॉन्डिंग आपको इधर क्या मिलेगा, एल माइनस एप्साइलन। ये डेफिनेशन है। अब आप सोच रहे होंगे डेफिनेशन कहां से आई, क्योंकि हमने लिखा है डेफिनेशन में एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्साइलन, फिर मॉड तोड़ दिया तो माइनस एप्साइलन एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्साइलन, फिर एल ऐड कर दिया तो एल माइनस एप्साइलन एफ ऑफ एक्स एल प्लस एप्साइलन। ये सब प्रीवियस लेक्चर में बताया, तो फंक्शन इनके बीच में, तो ये तो डेफिनेशन है, ये तो लिखनी पड़ेगी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एप्साइलन डेल्टा में रिलेशन। अच्छा अब देखो ध्यान से, y आपके पास 2x, अब आपने x को a डाला तो y बन जाएगा ट्वाइस ए, मतलब जब x को a डाला तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये बना y, और ये कितना बन गया ट्वाइस ए, ठीक है। फिर आपने क्या किया, x को a प्लस डेल्टा डाला तो हमारा y क्या है 2x, तो ये बन गया 2 इंटू ए प्लस डेल्टा, तो ये बन गया 2a प्लस 2 डेल्टा, तो y अब इस केस में क्या बन गया, y अब इस केस में क्या बन गया देख लेते हैं, y इस केस में बन गया ट्वाइस a प्लस 2 डेल्टा, और जब आप इधर x डालोगे तो इधर y इस केस में क्या बन जाएगा ट्वाइस a माइनस 2 डेल्टा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में समझने वाला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो a क्या है आपका ये, और इस में a की वैल्यू पे y क्या आ रहा है ट्वाइस ए, है ना, तो a की वैल्यू पे y क्या आ रहा है ट्वाइस ए, मतलब जो l है वो आपका ट्वाइस ए है। अच्छा अगर l ट्वाइस ए है तो इधर भी l कितना है ट्वाइस ए, मगर एप्साइलन कितना आ रहा है इधर ट्वाइस डेल्टा, इधर एप्साइलन कितना आ रहा है ट्वाइस डेल्टा। तो इस क्वेश्चन में जो y is equal to 2x है, इस वाले क्वेश्चन में जो आपका एप्साइलन आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है ट्वाइस डेल्टा, तो डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा एप्साइलन बाय 2। तो देखो डेल्टा एप्साइलन पे डिपेंड है, एप्साइलन को चेंज करो डेल्टा चेंज होगा। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना आपको पूरा क्लियर कट समझ आएगा, लास्ट में हमें यही वैल्यू निकालनी होती है, और ये मैंने आपको ग्राफ से समझा दिया, ठीक है। तो जब भी हम लिमिट पढ़ते हैं तो एप्साइलन डेल्टा चेंज होते हैं, ये यही हमें निकालने हैं कि डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, और आप खुद भी समझ लो। देखो अगर सपोज ये डिस्टेंस, ये ए का डिस्टेंस 4 है, तो जो ये इधर वाले एल का डिस्टेंस है वो डबल है क्योंकि फंक्शन ट्वाइस है, तो वो 8 होगा, तो वैसे तो एप्साइलन डेल्टा भी आ रहा है ट्वाइस आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये लिमिट की डेफिनेशन समझ आई होगी। तो लिमिट की डेफिनेशन क्या है, अगर आपके पास कोई भी एक एप्साइलन है ग्रेटर देन जीरो, हाउएवर स्मॉल, जितना भी स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होता ही स्मॉल है, आपके पास एक डेल्टा मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो हमारे पास, हमने एप्साइलन लिया था एक स्मॉल, तो हमारे पास एक डेल्टा मिला ही मिला अपने आप। और क्या क्या चीज है इसमें कि जो डेल्टा है वो एप्साइलन पे डिपेंड है, तो ये देखो डेल्टा एप्साइलन पे डिपेंड है, ठीक है। और ये कब हो रहा है, जब आपने एफ ऑफ एक्स माइनस एल को लेस देन एप्साइलन माना है, और इस चीज को मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है, इसका मीनिंग है एल माइनस एप्साइलन लेस देन एफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्साइलन, तो वो ये चीज है। और इस चीज का मीनिंग भी मैंने आपको समझाया हुआ है, इसका मीनिंग है ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, तो वो ये चीज है। तो जब आप x इसमें चलाओगे आपको y इसमें मिलेगा, और आपको एक एप्साइलन डेल्टा मिलेंगे, जो डेल्टा होगा वो एप्साइलन पे डिपेंड होगा। ये देखो नेक्स्ट में भी डेल्टा एप्साइलन पे डिपेंड है। तो ये आपके लिमिट के क्वेश्चन थे कुछ ग्राफ के ऊपर, ठीक है। एग्जाम में ग्राफ नहीं पूछा जाता है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जब तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन कैसे करोगे। अब हम चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पे, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे आज फिलहाल, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्साइलन डेल्टा डेफिनेशन, प्रूव करना है उसको। अगर एप्साइलन डेल्टा यूज नहीं करनी हो, हम ट्वेल्थ में एक्स को सीधे वन डालते थे तो 5 - 3 2 आ जाता था, मगर अभी एप्साइलन डेल्टा की डेफिनेशन यूज करनी है, तो इसका सोल्यूशन लिख देते हैं। हम कैसे करेंगे, आप पहले एक दो क्वेश्चन आराम से समझो, फिर आपको खुद आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है।
अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में फंक्शन क्या है, इस क्वेश्चन में फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन होता ही है ये बताओ। तो इस क्वेश्चन में फंक्शन है आपका 5x-3। इस क्वेश्चन में एल क्या है आपके पास, एल होती है लिमिट, लिमिट क्या आपके पास 2, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ए क्या आपके पास, ए आपके पास 1 है, ए होता ही लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो ए आपके पास क्या है 1 है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया, पहले आप फंक्शन लिमिट और ए निकाल लो, फिर क्या लिखो, लेट एप्साइलन ग्रेटर देन 0, ये लिखना ही पड़ता है, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ये वाली, फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन 0, ये तो लिखना ही पड़ता है, ठीक है। तो लेट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 हाउएवर समार बी गिवन, या मान के चलो कि आपके पास एक है, ठीक। अब देखो अब आपको क्वेश्चन प्रूव करना, क्वेश्चन में क्या बोला था डेफिनेशन में कि आपको f ऑफ x माइनस एल निकालना और उसको एप्सिलॉन से छोटा बता लेना है, और इसके साथ में आपका क्या आना चाहिए, जो x माइनस ए है वो डेल्टा से छोटा आना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो फंक्शन l के बराबर है और x किसके पास जा रहे हैं, ए के पास जा रहे हैं, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x और l का माइनस लेंगे, हर क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना है। नाउ f ऑफ x माइनस l ये ले लेंगे, ठीक है, और f ऑफ x कितना है 5x-3, इसमें से l को माइनस कर देंगे, ऐसे l ये है 2, 5x-3-2 तो ये कितना आ गया 5x-5। अब आप इसमें से 5 कॉमन निकाल सकते हो, मॉड से 5 बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि 5 पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास f ऑफ x माइनस l की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। तो अब मैं लेके चलूंगा, लेट f ऑफ x माइनस l का मॉड लेस देन एप्साइलन, ठीक है। अगर ये लेस देन एप्साइलन है, देन अगर ये चीज लेस देन एप्साइलन है आपके पास, जो ये चीज है ये लेस देन क्या है, एप्साइलन है, और ये किसके बराबर आ रही है, इसके बराबर आ रही है, तो इसका मतलब है जो 5x-1 है वो भी क्या होगा, लेस देन एप्साइलन। अब आप इसको सॉल्व करोगे, x-1 लेस देन एप्साइलन बाय 5, ये 5 नीचे आ गया, ठीक है। इसी एप्साइलन बाय 5 को मैं डेल्टा मान लूंगा। अब आप बोलोगे कि डेल्टा कहाँ क्यों मानना, देखो अभी तो पीछे ग्राफ में बताया था डेल्टा एप्साइलन पे डिपेंड होता है, तो यही तो निकालना है मैं डेल्टा, तो हमारे पास आ गया ना, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ना, फॉर मैं बोल सकता हूँ फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन 0 हाउएवर समार, देखो मैंने मान के लिया था एप्सिलॉन मेरे पास है तो मैंने एप्सिलॉन को ले लिया था, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर समार देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर, जो डेल्टा है, अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर है तो डेल्टा एप्सिलॉन बाय 5 है तो वो भी पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट, सच दैट क्या पढ़ा हमने, सच दैट कि जो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल है आपके क्वेश्चन में वो एप्साइलन से जब आप छोटा लेते हो तो ये कब होता है, ऐसा व्हेन एवर जो एक्स माइनस ए है, ठीक है, एक्स माइनस ए कौन है, अभी एक्स माइनस वन, जो एक्स माइनस ए है वो एप्साइलन बाय 5 से क्या होता है, छोटा होता है, और आप इसको ले सकते हो 0 से बड़ा, क्योंकि मॉड हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, और इज इक्वल टू दैट, ठीक है, दैट इज 0 लेस देन x माइनस 1 लेस देन डेल्टा, और इधर लिखा लिखना साइड पे कि डेल्टा आपका इस क्वेश्चन में क्या है, एप्साइलन बाय 5। तो अब आपके पास फंक्शन और l का माइनस एप्साइलन से छोटा आ रहा है जब आप x माइनस 1 डेल्टा से छोटा ले रहे हो, तो इसी की डेफिनेशन का इसको हम कैसे लिखते हैं, देयरफॉर इसको हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a, a अभी कौन है 1,
फंक्शन कौन है एफ एक्स, और वो किसके बराबर आ रहा है एल की, ये डेफिनेशन है। और लास्ट में आप फंक्शन की वैल्यू पुट कर लो जो आपने ऊपर लिख लिए थे। फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5x-3 इज इक्वल टू एल क्या 2। तो ये आपके एप्साइलन डेल्टा से लिमिट प्रूफ होगी। एप्साइलन डेल्टा वाली डेफिनेशन से लिमिट को हम ऐसे प्रूफ करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, 4x-5 इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, 4x-5 इज इक्वल टू 3। तो देखो ये भी सिंपल है, अगर आपने ध्यान से समझा तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर जो फंक्शन है वो आपका क्या है 4x-5, जो l है वो आपका क्या है 3, जो a है वो आपका क्या है 2। अब आप क्या करो, पहले एफ एक्स निकालो, आपकी मर्जी है। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, एप्साइलन ऊपर लेट कर दिया था। आप इसको पहले निकाल दो, इसको बाद में लिख दो, आपकी मर्जी है। कॉलेज में आपको ये पहले भी लिखा सकते हैं बाद में भी, वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फंक्शन क्या है 4x-5 और माइनस है, और ये कितना आ गया 4x-8। क्या 4 कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। x-2 और ये 4 आ गया बाहर, x-2, x-2 ही आ रहा है क्योंकि आपकी लिमिट 2 को अप्रोच कर रही है, तो x-2 ही आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में 1 को अप्रोच करी थी तो x-1। फिर हम लिखेंगे लेट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 बी गिवन हाउएवर समान। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ हम लेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्साइलन। ये कब होगा, व्हेन एवर, देखो इसको आपने लेस देन एप्साइलन मान लिया, और ये किसके बराबर है 4 इसके, अगर ये एप्साइलन से छोटा है तो वो भी क्या होगा एप्साइलन से छोटा। व्हेन एवर 4x-2 का मान लेस देन एप्साइलन। अब दैट इज, इसको सॉल्व कर लो, x-2 लेस देन एप्साइलन बाय 4, और इसको इस केस में डेल्टा है एप्साइलन बाय 4। तो देखो हर क्वेश्चन में डेल्टा यूनिक आ रहा है, डेल्टा यूनिक आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मेरा एप्साइलन बाय 4 आएगा, आप करोगे आपका एप्साइलन बाय 8 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डेल्टा के लिए एप्साइलन यूनिक आता है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब देखो अब क्या हो रहा है, ये आपके पास आ गया। अब हम लिखेंगे देयरफॉर, वही डेफिनेशन, फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन 0 हाउएवर सम आर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्साइलन सच दैट, क्या कर रही, सच दैट जो एफ ऑफ एक्स माइनस एल है वो लेस देन होगा किससे एप्साइलन से, व्हेनेवर ये 0 ग्रेटर देन x-2 लेस देन एप्साइलन बाय 4 इज इक्वल टू डेल्टा से, दैट इज 0 x-2 डेल्टा, और इधर लिखना है डेल्टा किसके इक्वल है इस क्वेश्चन में एप्साइलन बाय 4 के। तो अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एल का डिफरेंस एप्साइलन से छोटा आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ए कौन है 2, इधर आया एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल एल के इक्वल, तो फंक्शन ऊपर से एफ ऑफ एक्स डाल दो। क्या था एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स था आपका 4x-5, तो इधर डाल दो 4x-5, तो 2 डाला इधर आएगा 3। तो ये आपका क्वेश्चन एप्साइलन डेल्टा के डेफिनेशन से हमने सॉल्व कर दिया। तो इतने इतने से तो क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज आपको समझनी है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, कल के लेक्चर में हम फिर क्वेश्चंस करेंगे, और आई होप आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।